हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, हमारे खेत पर मक्का कटाई चल रही थी और दोस्तों इसमें जो है मक्का में देखिए अजगर मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मक्का के जो पौधे हैं उसी की छांव में जो है यह अजगर जो है कुंडली मार के बैठा था। और जैसे ही भैया को पता लगा तो उन्होंने एकदम से वो वहाँ से दूर हट गए और उन्होंने जो है रेस्क्यू टीम को बुलाया, जी हाँ दोस्तों, ताकि जो है अजगर को जो है उसकी जो सही जगह है, एक्चुअल जगह है, वहाँ पर जो है उसको भेजा जा सके। और वैसे तो जो अजगर जो होते हैं वह जो है सबसे बड़ा जो है विशालकाय सांप है, यानी कि पाइथन फैमिली में इसको सबसे बड़ा जो है विशालकाय नाग कहते हैं। यह जहरीला नहीं होता है और इसके जो दांत हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं। और इसके अलावा इसका जो शिकार होते हैं वह मेंढक, छिपकली और जो कुछ अन्य जो सांप होते हैं उन्हीं को ये अपना शिकार बनाता है। तो दोस्तों रेस्क्यू टीम आ गई है और उन्होंने देखिए किस प्रकार से जो है अपने औजार के माध्यम से उन्होंने मुंह के ऊपर जो है इसको थोड़ा सा दबाव लगाया और अपने हाथ से जो इन्होंने इसको पकड़ लिया है। दो जने आए हैं, एक ने जो है इसकी पूँछ पकड़ ली है और एक ने जो इसका मुँह जो है उसको बंद करके इसको कंट्रोल में कर लिया है। वैसे यह जहरीला नहीं होता है लेकिन इतना बड़ा होता है कि आप इसको जो है देख के डर जाते हैं। और इसका जो ऊपर जो चेक्स जो होते हैं इसके ऊपर वह भी जो है काफ़ी डरावने होते हैं। और इस प्रकार से देखिए दोस्तों जो रेस्क्यू टीम है, क्योंकि यह प्रशिक्षित होते हैं तो इन्होंने आसानी से इस विशालकाय अजगर को जो है पकड़ लिया है। दोस्तों यह तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी खबर है कि तुरंत इसका पता लग गया, नहीं तो कई बार होता है कि जो जीव जंतु होते हैं हमारे को उनसे डर लगता है और उनको हमारे से डर लगता है, तो वह हमला तो नहीं करते हैं लेकिन कभी भी कोई भी अनहोनी होने की जो है आशंका बनी रहती है। ये देखिए ये दांत, जैसा कि मैं कह रहा था आप ही, काफ़ी तेज़ दांत होते हैं इसके, जहर तो नहीं होता है लेकिन। और दोस्तों यह जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जो है अजगर काफ़ी मात्रा में जो है पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो अजगर जो होते हैं वह जो है शांत प्राणी होता है और ये अपना जो शिकार है ये अपनी कुंडली की वजह से करता है। एक तरीके से यह जो अपनी कुंडली में जो है अपने शिकार को दबा लेता है और उसको जो है एक तरीके से इतना ज़ोर से चकड़ता है कि उसको श्वास आना बंद हो जाता है और वह जो है एक तरह से कैसे इसका शिकार बन जाता है। टीम ने देखिए इस प्रकार से जो इसको एक बैग में जो है अंदर रख लिया है ताकि इसको जो है सही और इसकी जो उपयुक्त तो जगह है वहाँ पर जो इसको इसके बाद ये इनके द्वारा छोड़ दिया जाएगा। देखिए इस प्रकार से एक बैग में हमने इसको रख लिया है। तो दोस्तों आप भी कोई भी जीव जंतु दिखे तो उनको रेस्क्यू टीम को बुला के जो है उनकी उपयुक्त जगह है वहाँ पर भिजवाने का कष्ट करें। आशा वीडियो आपको पसंद आया होगा।